जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, भारतीय टीम जो है इस वक्त जिम्बाब्वे दौरे पर है, जहां पर भारतीय टीम जो 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेलने जिम्बाब्वे गई हुई है, और भारत जो है इस सीरीज़ में 2-1 से आगे है। और आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद भारत जो है एक और देश का दौरा करने जा रही है, और ये जो देश रहने वाला है दोस्तों, ये श्रीलंका रहने वाले है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम जो है जिम्बाब्वे से T20 सीरीज़ खेलने के बाद सीधा श्रीलंका का दौरा करेगी। और आपको बता दें कि भारतीय टीम जो है श्रीलंका के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज़ और 3 ही मैचों की ODI सीरीज़ खेलेगी दोस्तों। और ये जो सीरीज़ है, आपको बता दें कि ये जो सीरीज़ है ये 26 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि ये जो सभी मैचेज़ है T20 और ODI श्रीलंका में कब, कहाँ और किस भारतीय समय अनुसार कब खेले जाएंगे। तो आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच जो पहला T20 मुकाबला है वो 26 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे पल्ले केले में खेला जाएगा। यहाँ दोस्तों, वहीं अगर हम दूसरे T20 मुकाबले की बात करें तो ये उससे अगले दिन ही, जी हाँ दोस्तों, अगले दिन ही 27 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे ये मुकाबला भी पल्ले केले में खेला जाएगा दोस्तों। तो आपको बता दें कि पहला T20 और दूसरा T20 ये दोनों जो है लगातार खेले जाएंगे 26-27 को। और आपको बता दें, इसके बाद एक दिन के गैप के बाद 29 जुलाई को तीसरा ओवर आखिरी जो T20 रहने वाला है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये खेले जाएगा। और ये भी दोस्तों भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे पल्ले केले में ही खेले जाएंगे। यानी कि दोस्तों, तीनों जो T20 मुकाबले ये पल्ले केले में खेले जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ODI सीरीज़ की, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो पहला ODI रहने वाला है ये दोस्तों 1 अगस्त को भारतीय समय अनुसार सुबह दोपहर को 2:30 बजे कोलंबो में खेला जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि वहीं अगर हम दूसरे ODI की बात करें जो, तो ये 4 अगस्त को खेला जाएगा दोस्तों। इसका भी जो समय रहने वाला है ये भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे, और ये भी दोस्तों कोलंबो में खेला जाएगा। और तीसरे और आखिरी ODI और इस दौरे की जो आखिरी मैच रहने वाला है दोस्तों, वो 7 अगस्त को खेला जाएगा। तीसरा ODI ये भी दोपहर को 2:30 बजे खेला जाएगा कोलंबो। तो दोस्तों, आपको जैसे कि आपने देखा कि तीनों ही ODI जो मुकाबले वो कोलंबो में खेले जाएंगे, और जो तीनों T20 मुकाबले ये पल्ले केले में खेले जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास की घोषणा कर की थी, और वो आपको भारतीय टीम की तरफ से T20 खेलते हुए कभी नहीं दिखेंगे। और उसके तुरंत बाद जो है रविंद्र जडेजा ने भी T20 से संन्यास की घोषणा कर दी थी। और आपको बता दें कि भारतीय टीम इस वक्त जिम्बाब्वे दौरे पर है, जहाँ पर भारत 5 मैचों की T20 सीरीज़ खेल रहा है। और इस सीरीज में जो स्क्वेड रहा है भारत का, इसमें सभी युवा खिलाड़ी चुने गए हैं। सभी जो खिलाड़ी रहे इसमें युवा के चुने गए, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो वर्ल्ड कप की टीम में था। और क्योंकि वर्ल्ड कप टीम को दोस्तों इस दौरे के लिए आराम दिया गया है। विराट कोहली तो वैसे भी जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलते, छोटी टीमों के खिलाफ नहीं खेलते, बड़ी टीमों के खिलाफ ही रन बनाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ODI सीरीज़ में वापसी करते हुए दिखेंगे, या फिर इस सीरीज़ के लिए भी उनको आराम दिया जाएगा दोस्तों। वैसे फैंस तो ये चाहते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा ODI सीरीज़ में खेले, क्योंकि T20 से संन्यास लेने के बाद सबका दिल टूटा था। तो अभी वो चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हर एक ODI और टेस्ट मुकाबला खेले, ताकि वो उनको जी भर के देख सके। तो देखते हैं दोस्तों, उनको इस सीरीज़ में मौका मिलेगा, जैसे जिम्बाब्वे दौरे पर इनको आराम दिया गया, या फिर तो क्या श्रीलंका दौरे पर ही आराम दिया जाएगा, या फिर इनको खेलने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक ये बात पहुँचे। और जैसे ही दोस्तों इस दौरे के लिए स्क्वेड अनाउंस होते हैं, सबसे पहले हम आपको खबर अपने इसी चैनल पर देंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम दोस्तों।